पंडित के बाद अब बात बाजार सीताराम की। यहाँ जाम की परेशानी सबसे बड़ी है। किसी भी वक्त यहाँ जाम लग जाता है जिसमें लोगों का घंटों का वक्त खराब हो जाता है। इस जाम की सबसे बड़ी वजह यह है कि सड़कों पर अतिक्रमण है। रेड़ी वालों के साथ साथ रही सही कसर दुकानदार और ग्राहकों ने पूरी कर दी है। सड़कों के किनारे खड़ी गाड़ियों के कारण पैदल चलने वाले लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है। साफ सफाई सुबह तो लोग करके जाते हैं, लेकिन दिन में गली वाले इधर उधर वाले आके बहुत गंदगाना मचाते हैं। अंदर गली वाले कुत्ता भागा के लाइटिंग करा के ये सब जाते हैं। यहाँ पे ये देखो कितना गंदगाना मचा हुआ है। सफाई वाले टाइम टू टाइम तो आ रहे हैं, पर गड्ढे वड्ढे गली में मोहल्ले में बहुत ज़्यादा हैं। उन गड्ढों की वजह से ना गली में है ना बड़ी परेशानियाँ हैं। अगर गाँव से गड्ढे भरवा कहते हैं हम पे मटेरियल नहीं है, हमें ये नहीं है, हम पे वो नहीं है। एक बार आज लिखवाओ तो 10 दिन तक कुछ सुना ही नहीं है। निगम पार्षद है सीमा तायरा, वो इन इलाकों में घूमती नहीं है, हिंदू इलाकों में आती नहीं है, हिंदू इलाकों में आती नहीं है, ना नालों का काम कराती, ना सीवरों का, ना कुछ भी। वो सारे मोमडन एरियो ही में काम करती है, यहाँ आती नहीं है। इससे यहाँ के जो नागरिक हैं वो सारे दुखी हैं। कूड़ा झाड़ू नहीं लगवाती हैं इलाकों में, सीवर भरे रहते हैं। भैया गली की स्थिति बहुत ख़राब है। गली को जब तक ये इन्होंने सीवर साफ करें इसके बाद आज तक कोई बनानी आया। मट्टी हो रही है, बच्चों को हाथ पैर डस्ट में इतनी गंदगी हो रही है, और आप ही देख ही लीजिए गली की क्या स्थिति हो रही है। मैंने मंदिर के ऊपर से इतना कूड़ा निकाल के गली के अंदर डाला है, कोई उठाने वाला नहीं है। आते हैं सफाई वाले तो अपना अपना खाली झाड़ू तो मार नहीं रहे, ऐसी सफाई कर रहे हैं। सारा गड्ढे गुद्धे वाला ना एक हफ्ता भर हो गया इस चीज़ को हुआ हुए। अभी तो कल ही यहाँ सारे मलवाटा है। अब खुद ही देखिए कितने गाड़ी वाला आ रहे हैं, पानी भरा हुआ है, पानी सारा निकलवाया है, कितनी परेशानी हो रही है। उधर भी कैमरा, उधर दोबारा ये रिकॉर्डिंग करिएगा आप अपनी। तो यही है कहना चाहते हैं, शिकायत की निगम पार्षद को हमने कहा, लेकिन अभी तक काम हुआ ही नहीं है। देखें जी, ये जगह जो है ये तकरीबन 5 दिन से जो है ये यानी खोद के चले गए, और यहाँ शाम को 5 बजे इतना पानी भर जाता है कि यहाँ से नमाजियों को भी और चलने वालों को भी इतनी तकलीफें होती हैं कि हम बयान नहीं कर सकते। और यहाँ के जो विधायक हैं क्या नाम है उनका, आसिम अहमद, उन्होंने जो है यहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहे किसी भी प्रकार का, किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे। बस अपने बन गए विधायक बन गए और उसके बाद बैठ गए अपने अपने घरों में जाके। आप पूरे एक महीने यहाँ रुक करके देखिए, आपके सामने पता चल जाएगा। एक ऑफिसर से शिकायत करो तो उसके कोई जुई नहीं रेंगती। अब बताओ किससे कर सकते हैं, हार करके ऐसे बैठ जाते हैं। देखो सीवर लाइन अभी पानी भर जाता है तो पानी ऐसा हो जाता है, आने जाने वालों को परेशानी होती है, कोई बुज़ुर्ग लोग जा रहा है तो उनको परेशानी है, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। समस्या ये है सफाई नहीं हो पाती यहाँ पे। अगर कोई कंप्लेंट करने के अकेले भी जाते हैं तो ये कहते हैं कि आप हमारे अंडर में नहीं आता, इसको वहाँ पे कंप्लेंट करो, उसके अंडर में नहीं आता वहाँ पे कंप्लेंट करो। बताओ करें तो करें क्या, भुगतना तो हम लोकल यहाँ पे रहने वालों को पड़ रहा है, उसके हम क्या कर सकते हैं। सफाई एक तरीके से होनी ही चाहिए, सफाई हम लोग सब भी इंटरेस्ट करेंगे। एमसीडी ने किसी तरह का कोई डस्टबिन नहीं रखा हुआ यहाँ, जगह जगह आप जाके देखो कूड़े के ढेर लगे हुए। स्वीपर भी इस एरिया के अंदर अगर बाई चांस आता है तो 2 दिन में कभी आ जाएगा, नहीं तो 3 दिन में एक बार ही आता है। सफाई अगर रखी जाएगी तो हम लोग डस्टबिन रखे जाएंगे तो हम सफाई रखेंगे। डालने को लोग कहाँ डालकर जा रहे हैं, डालना तो पड़ेगी क्रिकेट बाहर, कहाँ डाले वो सुपर आता नहीं है, सुपर नहीं आता तो हम फिर भी अप्रोच, वो अप्रोच का कोई सोर्स नहीं है। लाइटिंग का ताहिरा जी के अंडर में आता है, ताहिरा जी को हमने स्पेशली रिक्वेस्ट करी थी, मैंने खुद करी थी रिक्वेस्ट। गली के अंदर उबड़ खबड़ जगह पड़ी हुई है, गड्ढे वड्ढे हैं, तो मेरी मदर काफ़ी एजिट हैं, 80 साल की हैं, पहले से लगा हुआ था उनको। रात के टाइम में कोई बच्चा आ रहा है, कोई भी बड़ा बुजुर्ग आ रहा है, गली में गिर सकता है। वो कह लिए मेरे एरिया नहीं लगता, उनका एरिया लगता है, मेरे एरिया लगता है, उन्होंने 2 महीने तक टालती रही। कॉरपोरेशन के मंदिर सुबह आते हैं ना, संडे की छुट्टी करते हैं, वो उठा के ले जाते हैं, जैसे दिन भर कूड़ा पड़ा रहता है। सीवर जनरली चौक रहते हैं, जनरली टेलीफोन करो कुछ, जब जाके खोलते हैं और करने के बाद में ये जो उसके कीचड़ है वो ऐसे ही छोड़ देते हैं, जब वो सूख जाती है जब उसको झाड़ फुहार के फेंकते हैं। जनता उसे अपना नेता चुनती है जो उनकी परेशानियों को दूर कर सके। गलियों के निर्माण, नालियों की समस्या से उसे 2-4 नाखून पड़े, लेकिन नेताओं को चुनने के बावजूद जनता को इस परेशानी से निजात नहीं मिल पाई। कई नेता आए और गए लेकिन समस्या वही की वही। तुर्कमान गेट में गंदगी और सड़कों पर फैले कूड़े के कारण लोगों को खासी परेशानियां हैं। ना तो यहाँ समय पर सफाई होती है और ना ही कूड़ा उठाया जाता है। सफाई यहाँ पर कभी होती है कभी नहीं होती। दिन में पहले 3 दफ़ा पानी आता था यहाँ, अब 1 दफ़ा पानी आता है, और महीने के अंदर 3 दफ़ा जो है ना कभी गंदा पानी आता है,
कभी कहते हैं जी लाइन फट गई है, कभी कहते हैं जी इनोमियम ज़्यादा आ गया जमुना के अंदर, समझे जी। और दूसरी बात लाइट कितनी परेशानी है, सुबह 7 बजे लाइट जाती है और 9 बजे आती है। कोई मंत्री आता है जब भी सफाई होती है कि सबसे पहले कोई सफाई नहीं होती, गंदगी मची पड़ी हुई है और गलियों का बुरा हाल हो रहा है। यहाँ पर सीवर लाइन में परेशानी है, पानी की परेशानी, लाइट की परेशानी, कब तक चलेगा बताइए आप। नेता जब इलेक्शन वोट लेने के लिए आते हैं बड़ी बड़ी बातें करेंगे, हम ये कराएंगे हम वो कराएंगे, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है तो पता कब तक चलता रहेगा। बच्चे बीमार हो रहे हैं, लाइटें नहीं है, LED लाइटें नहीं लग रही, दावत ना बड़ा बड़ा करेंगे हम ये करेंगे हम वो करेंगे, जीतने के बाद सब भूल जाता, कोई नेता नहीं आता यहाँ पर। गंदगी को ऐसा है कि यहाँ पे सफाई दी जाती है लेकिन जो इकट्ठा कूड़ा होता है ना, अभी ये सड़क टूटी थी कुछ टाइम बाद फिर टूट गई तो उससे इतनी गंदगी हो जाती है यहाँ पर, अभी भी टूटी पड़ी हुई। आप आओगे तो रास्ते से ये सड़क आ गई, या तो एक ही बारी में बना दें, किस्तों में बनाते हैं, थोड़ा सा गड्ढा खोदा अब ये सड़क बनेगी कितने हफ्ते में, 15 हफ्ते होगा 4 हफ्ते होगा। अब ये छोटी सी गली अगर तोड़ के डाल दोगे तो गंदगी तो जमा हो ही जानी है ना, पूरी गली के अंदर पानी होता है, कोई गड्ढा की सेवरेटी नहीं है, ना कोई नाली है, ना कुछ है, बहुत परेशान है। मेरे घर के आगे पूरी गंद जमा होती है। कितने दिनों से ये, जब से ये सड़कें बनी है, 5-6 महीने हुए सड़कें बने हुए, तो उन्होंने नाली वाली का कोई ऐसा रुक नहीं रहा, आप देख सकते हो। 6 महीने से कोई गटर साफ करने नहीं आया, कोई गटर भी साफ करने आते हैं वो जब जब जाएंगे जो गटर साफ करने आते हैं, कोई नहीं आता, कोई नहीं सुनता। परेशानी बस यही है गटर की, और तमाम कीचड़ कीचड़ हमारे दरवाजे के आगे रहती है, हमें खुद साफ करना पड़ता है। नालियाँ नहीं है, पहले नाली थी तो इतनी गंदगी नहीं होती थी जितनी अब हो रही है। हमारा घर तो नीचा है, तमाम देखो कितना पानी वैसे आए दिन गटर भर जाता है, गलियाँ बिल्कुल गंदी कीचड़ से भरी हुई होती हैं, और जिसकी वजह से हमारे घरों में भी पानी गंदा आता है। बहुत ज़्यादा परेशानी है, कह कह के थक जाओ, एक एक हफ्ता कंप्लेन करते रहो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये गली बनी, सड़क बनी बिल्कुल बेकार, जिसकी वजह से घरों में बेहद कीचड़ गंदगी, लोग अपने जीने धोते हैं डायरेक्ट पूरी गली गंदी हो जाती है, और आए दिन गटर भरा हुआ होता है हमारा। मतलब प्राइवेट में किसी को बुलाते हैं वो, हाँ सीवर खुलवाने के लिए 400-500 रुपये देते हैं उन्हें खोलने के लिए, और बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, देखो किस कदर हमारे मच्छर हैं, देखो तुम्हारे सर पे भी चल रहे हैं, इस कदर मच्छर हैं, कोई नहीं आता, हम खुद ही बुलाते हैं, प्राइवेट में बुलाते हैं हम। हमारे एरिया में ये देखो स्ट्रीट लाइट है, ये सारी परेशानी है हमारे एरिया में। भाई एक लाइट लगी हुई है वो भी कहने के इस पर लगवाई है, लोग जा गए हैं MLA साहब के यहाँ, वहाँ पर परेशानी हुई जाने आने में, फिर ये एक लाइट लगी हमारी गली में, बाकी गली में अंधेरा रहता रात में। अब बच्चे बड़े सभी गुजरते हैं, सबको दिक्कत परेशानी है। कम से कम 50 फुट जगह है ये सड़क बनाई, तो इन्होंने एक भी जाली नहीं लगाई, ये कारपोरेशन वालों ने। जाली नहीं होने से ना पानी भर जाता है, पानी भर जाता है, हम चलते हैं बाहर, जब अंदर आते हैं तो हमारे घर में सारी कीचड़ हो जाती है चप्पलों से, बच्चे गिर जाते हैं, वो बच्चों को उठाना पड़ता है। सीवर साफ करने वाले आते हैं, जब वहाँ पर जाओ ना कह के आओ लिखवा के जब आके आते हैं और फिर बुड़बुड़ाते हैं यहाँ पर आके, अरे तुमने ये कर दिया, तुमने ये कर दिया, हमने क्या कर दिया, अरे हम तो जो पानी है वो पानी फेंक रहे हैं। गंदगी, हाँ हमारे पतनाले ना बंद हो जाते हैं, परेशानी हो जाती है, लेटरिन के ये बाहर ये अंदर तक साफ नहीं करते पतनाले, और इतनी घुसे लगी हुई है इसके अंदर पतनालों की, यहाँ की वो है गली बने सही हो, बहुत परेशान होगा। हाँ पानी बहता है, सिल्वर है बहने लगती है, गंदगी होती है बहुत ज़्यादा, कूड़ा वूड़ा होता है, भूसे और चूहे हो गए हैं कि घरों की बुनियादें भी बिल्कुल कमज़ोर कर दी हैं, और ना कोई मारने आता ना कोई इसकी कोई कंप्लेंट है, और सीवर बहने लगते हैं तो पूरे घर तक पूरी गंदगी आती है, बीमारियां फैलती हैं, बच्चे बीमार हो रहा है, बुखार हो रहा है, फीवर नहीं जा रहा होता। हमारी यही परेशानी है, सारी ये जगहें जो हैं ये धस रही हैं, देखो नीचे से बिल्कुल धस रही हैं, और घूसे इस कदर आती हैं, रोज़ चूहे घूसे रोज़ मारते हैं, रोज़ बिना नाक लगाते हैं, और देखो किवाड़ों का क्या हाल कर रखा है घूसों ने, और ये अंधेरा यहाँ पे, और अंदर के सीवर साफ नहीं करते वो बिल्कुल भी। इलाके के अंदर बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है औरतों को, बुजुर्ग महिलाएं हैं, जवान बच्चियां हैं, वो निकलती हैं गलियों के अंदर, सड़कें साफ नहीं है, टूटा हुआ है पूरा मस्जिद के पास, अब उसको सही करने के लिए नहीं आए, LED लगाई है कम लगाई है गलियों के अंदर, अंधेरा रहता है रात में, बुजुर्ग महिलाएँ निकलती हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, और पानी की भी बहुत दिक्कत है यहाँ पर, पानी आता है कभी नहीं आता, कभी बदबू वाला गंदा पानी आता है, उसको उससे भी परेशानी होती है पूरे इलाके के लोगों को। तो ये हमारी अपील है कि इसको सारी चीज़ों को सही किया जाए, उसको गलियों के अंदर मरम्मत का काम कराया जाए, और पानी वगैरह की भी उसको साफ किया जाए, और यहाँ पर सफाई भी नहीं होती है, आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पर सुबह आते हैं शाम को नहीं आते, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, उससे गंदियाँ फैलती हैं, बीमारियाँ फैलती हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं, ये सब एक बड़ा मसला है जी यहाँ पर।
दिल्ली नगर निगम चुनाव के शोर में हर बार गंदगी, सीवर, खराब सड़कों जैसे तमाम मुद्दे सुनने को मिलते हैं। नेताजी 5 साल तक इलाके में काम करवाने का आश्वासन देते रहते हैं और दोबारा चुनाव का वक्त आ जाता है, लेकिन इस बार जनता मांग रही है हिसाब। चुनाव में इस बार नहीं चलेंगे खोखले वादे, ये है दिल्ली की आवाज। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला है जारी, देखते रहिए टोटल न्यूज़।